Subscribe and press the bell icon for latest update. 13वीं हिमाचल विधानसभा का पहला सत्र 9 जनवरी से शुरू होगा। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष रमेश धवाला निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। राज्य सरकार ने रविवार को यह जानकारी दी। सरकार ने कहा कि बीजेपी विधायक दल और कांग्रेस विधायक दल सत्र से पहले सोमवार शाम धर्मशाला में मिलेंगे। सदन में इस बार 22 विधायक पहली बार चुनकर आए हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सदन के सबसे पुराने सदस्य हैं, जो 9 बार विधायक चुन गए हैं। उनके पुत्र विक्रमादित्य सबसे युवा है। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 10 जनवरी को चुना जाएगा। इसके लिए बीजेपी ने राजीव बिंदल और हंस राज के नाम दिए हैं। बता दें कि राज्य विधानसभा चुनाव 9 नवंबर को हुए थे। इसमें बीजेपी ने कांग्रेस को हराकर राज्य में सरकार बनाई थी। बीजेपी को 44 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 21 सीटों पर जीत हासिल हुई है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 3% अतिरिक्त महंगाई भत्ते की घोषणा की है। यह महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2017 से देय होगा। राज्य सचिवालय कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिरिक्त महंगाई भत्ते का भुगतान जनवरी के वेतन के साथ नगद में किया जाएगा। पेंशन भोगियों को भी यह महंगाई राहत दी जाएगी। एसपीएन न्यूज रूम की रिपोर्ट।